हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज भाग 58 है आज, और इसमें भी मिलेंगे आपको सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने अभी आबकारी प्रवर्तन सिपाही का फिजिकल क्लियर किया है और जो लोग वन रक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि UK SSSC के जनरल पेपर में 20 नंबर की हिंदी आती है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही जो वरियस एग्ज़ाम होते हैं, लाइक लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड SI, पुलिस कांस्टेबल, यहाँ पे भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये टेस्ट सीरीज जो हमारे 58 भाग तक पहुँच चुकी है। जल्दी ही कंप्लीशन रहेगा एक शतक लगाने का इस सीरीज में भी। तो चलिए, बने रहिए और आज शुरू करते हैं टेस्ट। अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, डैश डैश में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित रहती हैं, ठीक है। तो डैश डैश में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित रहती हैं, तो बताना है किसके आधार पर, बोली, विभाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है, विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित रहती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, सरल वाक्य से प्रेरणार्थक वाक्य को बनाइए, ठीक है। तो आपको सिंपल एक वाक्य दिया है, बस सरल वाक्य दिया गया, सिंपल सेंटेंस, धोबी कपड़े धोता है। इस वाक्य को आपने प्रेरणार्थक वाक्य में बदलना है, ठीक है। तो वाक्य भेद एक बार स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी है। जल्दी डिस्क्रिप्टिव सेशन दूंगा मैं, ठीक है। इससे कई क्वेश्चन बनने हैं। अभी लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य वाला, 1 दिसंबर वाले एग्जाम में, ठीक है। तो वाक्य भेद आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मैं आप जल्दी इसके लिए आपके लिए इस पर एक डिस्क्रिप्टिव सेशन लाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम इस वाक्य को बदलते हैं प्रेरणार्थक वाक्य में, धोबी कपड़े धोता है, तो ये हो जाएगा, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। प्रेरणा देना यानी कि किसी को प्रेरणा दे के कुछ करवाना, ठीक है। तो वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, अपर और अपार का क्या अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं आपको, एक तो है अपर और दूसरा है अपार। तो विकल्पों के आधार पे बताइए इनके अर्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो अपर का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, दूसरा, अपर का मतलब होता है दूसरा, और अपार का मतलब होता है अत्यधिक, जैसे बोलते हैं ना, उसके पास अपार संपत्ति है, अत्यधिक, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, दूसरा और अत्यधिक। नेक्स्ट देखिए, पास और पास का क्या अर्थ है, ठीक है। एक तो हो गया पास और दूसरा हो गया पाश, ठीक है। पास और पाश, इनके अर्थ बताने हैं आपने। तो सही आंसर है दोस्तों इसका, जो पास होता है, पास का मतलब होता है नियर बाई, यानी कि नज़दीक, ठीक है। पास का अर्थ नज़दीक, और पास जो होता है इसका अर्थ होता है बंधन, ठीक है। बोलते हैं ना, जैसे हम अपने जो हिस्टोरिकल जो हमारे सीरियल आते हैं वहाँ पे देखते हैं, जब पास लगाया था किसने, मेघनाथ ने, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना, तो वो पास होता है बंधन, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, नज़दीक और बंधन। अगला देखिए, किस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो रहा है, दिए गए विकल्प में, माफ कीजिएगा, दिए गए सेंटेंस में किस मुहावरे का वाक्य प्रयोग होगा। ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे डैश डैश हो, ठीक है। तो मेहनत देखिए, यहाँ पे दिल से डेडिकेटेड होके मेहनत तो कोई कर नहीं रहा, फिर बोलते हैं सेलेक्शन नहीं हुआ। कैसे होगा भाई, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है, ट्रिकी ढंग से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो ऐसे मासूम मत बनिए आप भी, ठीक है, जस्ट पार्ट ऑफ अ जोक। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे दूध के धुले हो, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, दूध के धुले। अगला देखिए, खोआ और खोया का क्या अर्थ है, ठीक है। एक तो हो गया यहाँ पे खोआ दिया है, ठीक है, खोआ, और एक दिया है खोया, इनके अर्थ बताने आपने क्या हो जाएगा दिए गए विकल्पों में। तो देखिए, खोआ जो होता है, ठीक है, खोआ, खोआ मतलब हो जाएगा यहाँ पे मावा, और जो खोया होता है दोस्तों, ठीक है, खोया मतलब खो जाना, भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मावा और भूल गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मावा और भूल गया। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाली कवितावली के रचयिता कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गढ़वाली कवितावली किसकी रचना है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, तारादत्त गैरुला जी, ठीक है। देखिए, इनसे एक क्वेश्चन बना था अभी हाई कोर्ट 1 दिसंबर वाले एग्जाम में, ठीक है। इनकी एक रचना पूछी गई थी, सदेई, सदेई, जो कि इनका करुण रस प्रधान काव्य है, और गढ़वाली कवितावली भी इन्हीं की रचना है। मैंने देखिए उत्तराखंड की महान विभूतियाँ मैं आपको बताया था,
और ये भी बोला था जब मैं सदी रचना बताता, सदी में मैंने ये बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो। अगला देखिए, जड़ का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो जड़ जो होता है, जड़ का अर्थ बताना है आपने। यहाँ पे बहुत से अर्थ दिए गए हैं जड़ के, तो सही वाला विकल्प चयनित करना है आपने। देखिए जड़ का जो अर्थ होता है दोस्तों, मूल, ठीक है। जड़ का अर्थ मूल भी होता है, जो पौधों की जड़ें होती है। जड़ का अर्थ मतलब रीज़न भी होता है, कारण, ठीक है। और जड़ का मतलब होता है मूर्ख भी, बोलते हैं ना जड़ मूर्ख है ये। तो मूल, कारण और मूर्ख किस में है? ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द्रोण का अर्थ क्या होता है। तो द्रोण का अर्थ बताना है यहाँ पे। दो अर्थ दिए गए हैं द्रोण के, प्रत्येक विकल्प में आपको सही विकल्प चयनित करना है यहाँ पे। तो द्रोण का मतलब होता है दोस्तों, एक तो हमारे हो गए ऋषि द्रोणाचार्य, और दूसरा हो इसका अर्थ होता है कौवा, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है, द्रोणाचार्य और कौवा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में जंगल का पर्यायवाची कौन सा है। तो दिए गए विकल्प में बताइए जंगल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो जंगल का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में कानन है, ठीक है। जंगल का जो अन्य पर्यायवाची होता है, देखिए अरण्य भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ वन भी होता है, बहुत से पर्यायवाची होते हैं, लेकिन मेनली अरण्य और कानन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है ना, नंद कानन बोला गया राज्य के एक प्लेस को। कानन का मतलब ही वन क्षेत्र या जंगल होता है। अगला देखिए, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लगी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बड़ा ही एनर्जेटिक फील होता है जब ये कविता पढ़ते हैं। हम बचपन में भी जब पढ़ते थे, मुझे मुंह जवानी याद थी ये कविता पूरी, ठीक है। गुरु जी छड़ी दिखा के बोलते थे कि कल ये कविता याद हो जानी चाहिए, तो बड़ी तत्परता रहती थी और अंदर से जोश भी रहता था ऐसी कविताओं के प्रति। एक ही हो गया, और दूसरा एक पुष्प की अभिलाषा वाली कविता थी, आज भी याद हो, ठीक है। तो इस कविता में कौन सा रस है, तो रस बताना आपने यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि कविताओं से साफ पता चल रहा है, ठीक है, इसमें हो जाएगा रौद्र रस, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसमें हो जाएगा रौद्र रस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। और बात करूँ मैं, देखिए खूब लगी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, इसकी राइटर अगर पूछ ले जाते तो ये कविता किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बड़े ही ये अच्छी रचना रचित की झांसी की रानी के बारे में। अगला देखिए, गांव गांव किस प्रकार के शब्द युग्म से बने हैं, ठीक है। तो शब्द युग्मों का भेद आपको पता होना चाहिए। जो गांव गांव हम लिखते हैं, गांव गांव में बिगुल बज चुका है, ठीक है। तो ये गांव गांव जो हम दो बार रिपीट करते हैं योजक चिन्ह के साथ, ये किस प्रकार का शब्द युग्म है दिए गए विकल्पों के आधार पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये सार्थक सार्थक युग्म है, गांव गांव, ठीक है, सार्थक सार्थक। अगला देखिए, गूंगे का गूढ़ मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गूंगे का गूढ़ गूढ़, ठीक है, बहुत अच्छा मुहावरा आ गया जी, गूंगे का गूढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, अवर्णनीय सुख। गूंगे का गूढ़ मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, अवर्णनीय सुख, मतलब एक ऐसा सुख जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मतलब फुल मजे में, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, गूंगे का गूढ़, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अनेक का विलोम शब्द क्या होगा। तो सिंपल है ये, तो अनेक का विलोम जो हो जाता है वो हो जाता है एक, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। अपनी अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। अगला देखिए, वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलिए। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया आपको, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या बात होती है कि व्यक्ति विशेष से यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है, व्यक्ति विशेष की यहाँ पे बात होती है, ठीक है। तो वह, यहाँ पे वह यूज किया गया, सर्वनाम यूज किया गया इसमें पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वनाम को हमने हटा लिया और सीधे हमने संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से शुरुआत की। एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता था। नेक्स्ट देखिए, गिरिधर का सामासिक विग्रह क्या होगा।
तो गिरिधर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा इसका अर्थ? तो सिंपल इसका गिरिधर यानी पर्वत को जो धारण करता है, ठीक है, पर्वत, गिरि मतलब पर्वत होता है ना, पर्वत को धारण किसने किया था, किसने उठाया था गोवर्धन पर्वत? तो भगवान कृष्ण ने उठाया था, इसलिए उनको गिरिधर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, गिरि को धारण करने वाला है जो, अर्थात कृष्ण। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष किस प्रकार के शब्द युग्म से बने हैं? तो स्त्री पुरुष जो है, ठीक है, हमेशा योजक चिन्ह के साथ ही यूज करते हैं हम, ये किस प्रकार का युग्म है, शब्द युग्म है? तो ये हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द युग्म, ठीक है, क्योंकि स्त्री का विलोम पुरुष होता है, पुरुष का विपरीत स्त्री होता है, तो विपरीतार्थक शब्द युग्म है ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जिसमें कलंक ना हो उसे क्या कहा जाता है? जिस पे किसी भी प्रकार का कलंक ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है यहाँ पे, तो ये हो जाता है निष्कलंक, ऑप्शन ए। अंकित मूल्य पारिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो अंकित मूल्य जो पारिभाषिक शब्द है दिए गए विकल्पों में, किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है इसका? ठीक है, तो बहुत सिंपल है भी, इसका यूज होता है कॉमर्स, कॉमर्स के एरिया में, ठीक है, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, ऑप्शन सी, वाणिज्य में तो ये मूल्य, ये शब्द परिभाषित होता है ना, अंकित मूल्य। लास्ट है, देखिए इस टेस्ट का आज शयन का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो शयन का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये प्रिंटिंग त्रुटि हो गई, ये से था दोस्तों, ठीक है, तो शयन का जो संधि विच्छेद होता है, ध्यान से देखिएगा, वो होता है से धन अन शयन। ठीक है, तो यहाँ पे ए धन ओ बराबर य हो जाता है, किस संधि की विशेषता है ये दोस्तों? इसमें होती है अयादि संधि, शयन में कौन सी संधि है? अयादि, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये से था, से धन अन, ये होता है शयन, अयादि संधि, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 58, कितना स्कोर किया आपने कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए, आबकारी प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के लिए, ठीक है, और अन्य जितने भी ग्रुप्स के वरियस एग्जाम होंगे जहाँ पे 20 नंबर की सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, फिर बाद में पछतावा होता है उसके लिए। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन कर ले, क्योंकि 10 से 15 मिनट का एक टॉपिक होता है यहाँ पे, इससे ज़्यादा तो है नहीं ना, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से स्टडी करें, अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स, जय हिंद, जय उत्तराखंड।